नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृतिक कला में। दोस्तों आज मैं आपको पुरानी बोरी जो होती है घरों में सभी में मिल जाती है उससे मैट कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाऊंगा। ये यहाँ पे हमने पुरानी बोरी ली हुई है आलूओं की, ये बोरी है, इसमें से ही हम मैट बनाना सीखेंगे आज बहुत ही प्यारा सा। तो उसके लिए हमें पाइपिंग का कपड़ा लेना है, तो पाइपिंग के कलर के लिए हमने यहाँ पे दो छोटे वेस्ट कपड़े लिए हुए हैं इस तरीके से, इसमें से हम पट्टी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इसको कटिंग कैसे किया जाता है और कैसे इसको तैयार किया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना होगा, एक कोई भी राउंड शेप में एक पीस कटिंग कर लेना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे किया हुआ है, राउंड शेप में ऐसे रखते हुए डबल करते हुए राउंड बना लिया है, फिर इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा राउंड ऐसे पीस आ जाएगा। और यहाँ पे हमने जो इसका साइज रखा है ये हमारा 14 का है, 14x14 का, ये पूरा गोलाई में 14 ही आएगा इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमारा पैटर्न है, यही साइज हमें तैयार करना है। इससे बाहर की साइड आएगा तकरीबन 2-2 इंच और काफी बड़ा हमारा मैट बन जाएगा। तो हमें इस पैटर्न से यहाँ पे कटिंग करनी है बुकरम की। ये हमने बुकरम ली है, कोई भी आप छोटे छोटे टुकड़े भी ले सकते हो इस तरीके से। मेरे पास भी छोटे पीस थे तो मैंने जोड़ लगा लिया है यहाँ पे और ऐसे गोलाई में निशान लगा लिया है। अब हम इसी निशान के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बुकरम का पीस कटिंग कर लिया है राउंड शेप में। अब हमें यहाँ पे एक पीस और कटिंग करना है इस तरीके से राउंड शेप में। और ये जो हमने किसी भी वेस्ट कपड़े का कर लेना है, कोई भी आपके पास वेस्ट कपड़ा हो उसका आप यहाँ पे ये कर ले। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने बाहर की साइड थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है इसको, ताकि ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। तो ये तो हो जाता है हमारा अलग पीस, ये हम साइड रख देते हैं। अब हम पट्टियां कटिंग कर लेते हैं बोरी में से। तो ये हमारी जो आलू की बोरी है इसमें से हम कटिंग करेंगे पट्टियां। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम एक साइड से ऐसे कटिंग कर लेंगे इसको, एक साइड से हमने ये कन्नी उतार ली है। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है 4-4 इंच पर, ये हमने 4 इंच की पट्टी कटिंग करनी है। और यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी एक पट्टी आ जाएगी, काफी लंबाई वाली, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से। इसी तरीके से हमने यहाँ पे आगे भी ये पट्टी कटिंग कर लेनी है 4-4 इंच की। तो दोस्तों पूरी बोरी में से हमने यहाँ पे 4-4 इंच की ये पट्टियां कटिंग कर ली हैं इस तरीके से। और जो हमने कपड़ा दिखाया था उसमें से हमने यहाँ पे 3 इंच की पट्टी कटिंग की है, इसकी जो चौड़ाई होगी हमारी 3 इंच की होगी ऐसे। ये पाइपिंग के लिए है, पाइपिंग पट्टी लगाएंगे। और ये भी हमने यहाँ पे बुकरम और कोई भी कपड़ा ले लिया है। तो अब हम मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं इस डिजाइन को कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों स्टिचिंग में सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे की साइड तो रखेंगे कपड़ा और ऊपर रखेंगे बुकरम वाला पीस और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो कपड़ा है इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। पूरी राउंड में इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। ऐसे हमने ये बुकरम लगाते हुए ये पीस तैयार कर लिया है, ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा नीचे की साइड।
अब हमें यहाँ की चारों साइड की फ्रिल बनानी है जो कि हमने बोरी की पट्टियां कटिंग की हुई है। तो दोस्तों ये हमने पट्टियां कटिंग की हुई है, इनमें हम क्या करेंगे, पहले जोड़ लगा लेंगे आपस में, ये जोड़ लेते हैं इनको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे तो ये हमारी जितनी भी पट्टियां हैं सब ऐसे आपस में जोड़ेंगे तो काफी लंबाई हमारी तैयार हो जाएगी। दोस्तों सभी पट्टियों में हमने लगा लिए हैं जोड़, अब हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग लगाने के लिए हमने एक रेड पट्टी ली है, मैरून और एक ग्रीन ली है, इनको आपस में जोड़ लिया है और यहाँ पे ऐसे रखेंगे हम इस तरीके से। और जो सीधा पार्ट है ये वाला हमारा सीधा है, ये हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे और आधा इंच चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे और जब हम इसको सीधा करेंगे तो सीधी साइड हम यहाँ पे इसकी पाइपिंग बना लेंगे ऐसे, और ये पट्टी पाइपिंग बनाएंगे, इतनी चौड़ी हमारी होगी तो अच्छी लगेगी। और भी अगर हम बारीक बनाते हैं यहाँ पे बिल्कुल बारीक तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ी चौड़ी में अच्छी लगेगी, इसीलिए हमने 3 इंच की पट्टी कटिंग करनी की है। अगर आपको थोड़ी कम चौड़ाई चाहिए तो आप 2 इंच की पट्टी रखें। तो पहले मैं इसको ऐसे पूरे जितनी भी पट्टियां हैं सभी पे ऐसे अटैच कर लेता हूँ। तो एक सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है इस तरीके से, अब फिर से हम उसी साइड आएंगे यहाँ पे, और जो ये कपड़ा है इसको ऐसे खोल के यहाँ पे इसकी बनाएंगे पाइपिंग। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने ये पट्टी लगा ली है, एक ग्रीन आएगी एक मैरून आएगी इस तरीके से। अब हमें इसकी बनानी है फ्रिल, जिसको बोलते हैं रफल भी बोलते हैं फ्रिल भी। तो यहाँ पे ऐसे आप ऐसे चुन्नटे डालें चाहे ऐसे डालें, इस तरीके से आपने यहाँ पे चुन्नटी डालनी है इस तरीके से।
पूरी पट्टी में हम इसी तरीके से ये फ्रिल बनाते जाएंगे। तो चुन्नटे डालने के बाद हमारी इस तरीके से ये फ्रिल बन जाती है, काफी लंबाई वाली हो जाएगी। अब इसको हम अटैच करेंगे जो हमने पीस तैयार किया हुआ है उसके ऊपर। तो दोस्तों फ्रिल हमने तैयार कर लिया है यहाँ पे, अब हमें इसे अटैच करना है। तो बाहर की साइड यहाँ पे हमें आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको अटैच करना होता है। इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे तकरीबन 3 इंच का गैप रखते हुए स्टार्ट करेंगे। ये जो सिलाई है हमारी यहाँ पे आ रही है इस तरीके से। अब हम जब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये काट देंगे ऐसे और ये नीचे ले लेंगे। और यहीं पे हल्का सा ऐसे फोल्ड लगा देंगे। ये हमने फोल्ड लगा दिया है यहाँ पे ऐसे। एक एक सिलाई हम अंदर की साइड लगाएंगे, इससे हमारा ये दबाव दब जाएगा और इसके धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे। जो धागे हैं एक बार काट दें, उसके बाद तो ये दब जाएंगे फिर नहीं निकलते। तो एक दोस्तों फ्रिल हमने राउंड शेप में यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हमें दूसरी लगानी है यहाँ पे इस तरीके से। तो पूरे राउंड में यहाँ पे ये भी हम सेम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखेंगे और बाहर की साइड तकरीबन हमारा 2 इंच का यहाँ पे ये आएगा इस तरीके से। तो ये भी हम पूरे राउंड में लगा लेते हैं, फिर मैं आपको तीसरी फ्रिल लगा के दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे ये दूसरी पट्टी भी अटैच कर ली है, जैसे हमने पहली की थी सेम उसी तरीके से दूसरी कर ली है। और यहाँ पे सिर्फ हमारा 2-2 इंच का गैप रहेगा बाहर की साइड, कहीं पे कम हो जाता है कहीं पे ज्यादा, थोड़ा बहुत वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे तीसरी पट्टी। तो तीसरी पट्टी को भी लगाने का सेम यही तरीका होता है। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे और हल्का गैप रखेंगे यहाँ पे। जैसे हमने पहले रखा है गैप, ऐसे ही यहाँ पे गैप रखते हुए इस तीसरी पट्टी को भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे।
पे भी जब हमारी ये नीचे वाली पट्टी आएगी तो थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे इसको हम काट देंगे इस तरीके से, और इनको ऊपर नीचे हम ऐसे दबा देते हैं इस तरीके से। अब हम इस पॉइंट पे सिलाई लगाएंगे, इससे हमारे धागे नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों तीन पट्टी लगा ली हमने, इसमें आप तीन भी लगा सकते हो, फ्रिल चार भी लगा सकते हो, पांच भी लगा सकते हो, जितना आपका गैप बचता है उस हिसाब से आपको चलना होता है। तो यहाँ पे अगर तीन भी हमने लगा लिए ये भी ठीक है, लेकिन मेरे पास अगर बची है तो मैं उसको जरूर लगाऊंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, और ये वाली लास्ट वाली जो फ्रिल है ये हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं इस तरीके से, इसको सेट कर लेंगे। और यहाँ पे क्योंकि हमें देखना होगा ये हमारी यहाँ पे काफी फोल्ड करनी पड़ेगी इस तरीके से, और थोड़ा ही गैप रहेगा यहाँ पे, तो ये एक्स्ट्रा जो होगी हम काट लेंगे। एक साइड से यहां से स्टार्ट करेंगे, बाहर की साइड हमें दबाव का ध्यान रखना होता है, बाहर कितना हमारा दूसरी पट्टी नजर आ रही है। ये खोल लेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे ही। अब यहां पे भी हम सिलाई लगा लेंगे जिससे कि धागे ना निकले। तो यहाँ पे दोस्तों हमने चार पट्टी लगा ली हैं, और आप देख ही रहे होंगे मैट की सेव हमारी कैसी आई है। अब हमें बीच वाला जो ये होल है जो धागे निकल रहे हैं ये कवर करना है। तो दोस्तों मैट हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब जो ये राउंड वाला जैसे मैंने बताया था इसको हमें तैयार करना है, तो इसके लिए हमने एक यहाँ पे डब्बी तैयार कर ली है राउंड, वो हम यहाँ पे ऐसे अटैच करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे एक कोई भी इस तरीके से छोटे छोटे पीस कटिंग कर लेते हैं ऐसे, अस्तर वगैरह के या वेस्ट कपड़े के छोटे छोटे, इनको हम इस तरीके से काट देंगे। ये हमने ऐसे कटिंग कर लिए हैं, इनको हमें बीच में डालना है। तो सबसे पहले हम इसको अटैच करेंगे यहाँ पे सेंटर पॉइंट जहाँ भी बनता है वहाँ पे। अब हम इनमें बीच में यहाँ पे ये डाल देंगे थोड़े से पीस, तो इससे उठा रहेगा और जो पानी वगैरह है वो भी अच्छे से सोख लेता है।
दोस्तों सेंटर वाला हमारी यहाँ पे ये तैयार हो चुका है, डब्बी हमने लगा दी है और पूरा मैट हमारा यहाँ पे ये रेडी हो जाएगा। नीचे की बात करें तो नीचे का पोर्शन हमारा कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पे ये जोड़ लगे हुए हैं जो आप देख रहे हो, ये जोड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे जो सीधी साइड आएगी हमारी ये आएगी और इसमें आप आराम से बहुत ही मतलब कितने भी गीले पैर होंगे आपके अच्छे से ये सोख लेगा क्योंकि ये बोरी वाला कपड़ा है। और यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कितना सुंदर सा हमने ये डिजाइन तैयार करके आपको दिखाया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।